हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 25 जनवरी से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुकी थी, मगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म में करेक्शन होना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई या फिर आपके फॉर्म में करेक्शन होना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा यह होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए न्यूज ये है, छात्रवृत्ति आवेदन में त्रुटि सुधार का एक और मौका। ठीक है, ये लखनऊ की न्यूज़ है, अमर उजाला पेपर है, मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ। समाज कल्याण विभाग ने शिक्षण संस्थानों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, देशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों के आवेदन के सत्यापन और अग्रसारित करने का तीसरा अवसर दिया है। यानी कि लास्ट चांस है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तीसरी बार ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, मंत्री रमापति शास्त्री के निर्देश पर विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने और जिला स्तरीय समितियों को उनके आवेदन पत्रों के सत्यापन व छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए तीसरा कार्यक्रम जारी किया है। लाभार्थी विद्यार्थियों के खाते में 20 मार्च को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जमा हो जाएगी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में करेक्शन होना था, यानी कि उनका CBSE रोल नंबर मैच नहीं हो रहा था या फिर इनकम कास्ट का सीरियल नंबर जारी होने की तिथि मैच नहीं हो रही थी या फिर उनके ऑप्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स मैच नहीं हो रहे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस है। और अगर ये फॉर्म ठीक कर लेते हैं तो 20 मार्च तक इनके खातों में छात्रवृत्ति जमा हो जाएगी। ठीक है, विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार के अनुसार शिक्षा संस्थान 3 से 5 फरवरी तक विद्यार्थियों के विवरण का सत्यापन कर उसे अग्रसारित करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 से 5 फरवरी तक आपको मौका है और 11 से 16 फरवरी तक संदेहास्पद डेटा के कारणों सहित विद्यार्थियों, संस्था और कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, 11 से 16 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को ठीक कर आवश्यक दस्तावेज शिक्षण संस्था में जमा किए जाएंगे, यानी कि हार्ड कॉपी कॉलेजेस में जमा की जाएंगी। ठीक है, शिक्षण संस्थान 12 से 22 फरवरी के बीच विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और दस्तावेज को संस्थान के रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। यानी कि मैच होगा आपका डेटा, जो आपने कॉलेज में जमा किया होगी हार्ड कॉपी, वो ऑनलाइन तरीके से मैच किया जाएगा 12 से 22 फरवरी के बीच। इस दौरान पुनः ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर और सत्यापित कर उसे अग्रसारित किया जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड किया जाएगा। 20 मार्च तक जिले के कोषागार से ई पेमेंट के तहत विद्यार्थियों के बैंक में खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जमा की जाएगी। यानी कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म बिल्कुल ठीक होगा और कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कर दिया जाएगा, उन स्टूडेंट्स के खातों में 20 मार्च तक छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है और आपकी अभी तक स्कॉलरशिप या फीस नहीं आई तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 10 फरवरी तक आपकी स्कॉलरशिप प्लस फीस दोनों आ जाएगी या फिर मार्च एंड तक आ जाएगी। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में करेक्शन होना है वो प्लीज़ करेक्शन कर लें क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगर आप लोग अब करेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये पोर्टल बहुत कम ओपन होता है, इस बार लास्ट टाइम ये पोर्टल ओपन होगा यानी करेक्शन का। उसके बाद अगर आप करेक्शन कर लेते हैं और आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक होता है और कॉलेज से भी फॉरवर्ड हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप 20 मार्च को आपके खाते में आ जाएगी, यानी कि PFMS पर शो हो जाएगी और उसके 3 से 4 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।